हेलो एवरीवन एंड कार्स वे के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हमारे सामने भाई सुजुकी की सियाज। तो इस सेगमेंट में इस गाड़ी को कम्पीट करना मतलब ये लगा लो आप इम्पॉसिबल सही है। अभी सेगमेंट में और भी बहुत सारी गाड़ियां आ चुकी हैं, बट फिर भी ये गाड़ी अपना मार्केट में अच्छा खासा नाम बनाए हुए है, पकड़ बनाए हुए है। और पेट्रोल में आती है, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, तो जो कि ब्रेजा में भी आपको देखने के लिए मिलता है। और सीएनजी के लिए बहुत ही ज़्यादा कामयाब इंजन है, वो अपनी प्रेफरेंस होती है, कोई लगवाता है कोई नहीं लगवाता है। तो ये गाड़ी भी हमारे रोहित भैया की है, जिनकी आपने बलिनो सीएनजी देखी होगी, वो वीडियो देखी नहीं देखी है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी वीडियो है। और ये उन्हीं की गाड़ी है और अभी कुल ही 200 या 300 किलोमीटर चली है। और अभी ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में इतने ऑप्शन होने के बावजूद भी फिर भी इसी के ऊपर क्यों गए, जबकि इनके पास एक पेट्रोल की गाड़ी है फिर दूसरी भी पेट्रोल के लिए। तो ऐसी क्या प्रेफरेंस थी कि इसकी तरफ जाने का प्रोग्राम बना? तो वेलकम भैया एक बार और। अगेन हाय। तो एक बात भैया कि ये आपने कब ली थी और ये कितने की पड़ी आपको? ये मैंने बलिनो के 2 महीने बाद परचेज की है। अच्छा। एक्चुअली क्या था कि घर में फैमिली की कंडीशन ऐसी है कि फादर को अलग जाना पड़ता है, मेरे को अलग, तो उस वजह से एक कार और प्लान कर रहे थे। फिर मैंने जैसे बताया था पहली वीडियो में कि मेरे पे पहले ईटियोस थी, मैं दोबारा कोई सेडान ही प्लान कर रहा था कि मेरा लगेज आ जाए प्रॉपर, तो साथ में मुझे माइलेज तो देखिए पेट्रोल डीजल के रेट को आपको पता लग रहा होगा, वो तो है। तो आप एक बार इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन डेली जब आप पेट्रोल डलवाते हो ना तो वो फील होता है कि आप काफी रेट बढ़ गए। ये तो है। तो मेरे प्लान में सेडान आ रही थी, सबसे पहले तो मैं अगेन ईटियोस की तरफ जाता, लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो गई है। सेकंड अमेज, होंडा सिटी, वरना और ये थी। तो मैंने ओवरऑल सबका देखा तो सबसे कम रेट में और ये बेस से सेकंड मॉडल है, तो डेल्टा इसमें काफी सारे फीचर्स मारुति दे रही है। किसी भी सेकंड मॉडल में एलॉय व्हील लिया है। हाँ। इसमें एलॉय व्हील है, ऑटो एसी है, डीफॉगर है, साथ के साथ एक नया उन्होंने बताया मेरे को एंटीना भी इसके पिछले वाले उसमें है। अच्छा। डीफॉगर के साथ इसमें एंटीना है, कहीं भी आप देखोगे रूफ में। हाँ, ये देख लो अगर पूरी प्लेन रूफ है इसकी, कहीं भी एंटीना शो नहीं होगा। साथ में इसका बूट स्पेस सेम ईटियोस के जितना है और इंटीरियर क्रीम कलर का अच्छा वुडन टच, वुडन आप देखोगे वुडन टच नहीं है। हाँ, बेज इंटीरियर है पूरा, तो मुझे काफी अच्छी लगी। फिर वही घूम फिर के मारुति वाली बात आ गई। हाँ, रीसेल वैल्यू। और इसके ये सेमी हाइब्रिड है, आपने देखा होगा मारुति आजकल दे रही है, बलिनो में भी आया था जो इन्होंने गैलेंजा में लॉन्च किया है उसमें भी है और सियाज में भी है। तो इसमें ये है कि इसमें उसकी वजह से थोड़ा एवरेज अच्छी है। मैं बोलूँ अगर इसे मैं प्रॉपर ढंग से चलाता हूँ तो 18 किलोमीटर की माइलेज मुझे मिल जाती है, 18 की माइलेज। 1400 सीसी का इंजन है, 1498 सीसी का एक्चुअल में, 1.5 लीटर से डेल्टा वेरिएंट है और ऐसी आपको चाबी मिलती है इसकी। तो और एक बार इंटीरियर देख लीजिए, एक सेकेंड। तो ये बेज इंटीरियर मिलता है इसका आपको पूरा, और बेज इंटीरियर की भाई क्लास है। और इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पहले भी और ये आप देख सकते हो, बिल्कुल इतना मतलब प्योर क्लास लगती है गाड़ी। और भाई अंदर बैठ के कितनी ही ज़्यादा शानदार है, उसे भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अभी तक कितनी चला चुके भैया आप इसे? ये अभी तक 400-500 किलोमीटर रन हुई है। 400-500 किलोमीटर रन हुई है। और एक क्वेश्चन ये था भैया कि जैसे आप ये कह रहे हो, ये इसकी मतलब एक यूएसपी भी कह सकते हो आप और एक नुकसान भी कह सकते हो, जो कि इसका बेज इंटीरियर है, जितना ये देखने में अच्छा लगता है उतना ये गंदा भी जल्दी होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं हर चीज के दो पार्ट होते हैं, अच्छा और बुरा। अब ये है थोड़ा केयर से रखते हैं वॉशिंग के साथ साथ, इसमें अंदर भी आप अगर टाइम टू टाइम अगर आप ड्राई क्लीन कराते रहते हो तो ये मेंटेन रहता है। ये तो मैं मानता हूँ कि गंदा बहुत जल्दी होता है, बट ये हमारी काम कार है जो बहुत कम रनिंग में होगी। अच्छा। होगी तो ऑफिशियल यूज होगी, इसीलिए मेरे को ये लेना पसंद है। तो अभी जैसे भी आपके पास एक गाड़ी पहले भी है पेट्रोल में, उसमें आपने सीएनजी लगवा दी, ये भी आपने दूसरी पेट्रोल में ले ली, इसमें भी कोई प्लान है सीएनजी वगैरह लगवाने? इसमें नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कभी कभी लगेज के लिए ना डिग्गी चाहिए घूमने के लिए या फिर इधर उधर, फिर पावर जो पेट्रोल में पावर मिलती है इस वजह से ये प्योर पेट्रोल पे ही चलेंगे। प्योर पेट्रोल पे। और जो आपके पास ईटियोस थी जिसकी वजह से आपका एक सेडान की तरफ प्लान बना, वो डीजल में थी। yes. और आप पेट्रोल पे शिफ्ट हुए अब, तो वो चीज का एक मतलब ऐसा दिल में खलल सी नहीं रहती कि भाई कि डीजल से पेट्रोल पे शिफ्ट हुए, वो मजा नहीं आता पेट्रोल में डीजल में? मेरी ईटियोस 1 लाख से ऊपर चल गई थी, मुझे आज तक व्हील अलाइनमेंट तक की जरूरत नहीं पड़ी। 1 लाख किलोमीटर पे 3500 रुपए का उसका सर्विस का चार्ज था बस। बाकी ये है कि मैं फिर बताता हूँ, वरना डीजल में आ रही थी, मारुति की तो डीजल में आई नहीं है। हाँ। वरना वो काफी महंगी भी पहुंच रही थी और मैंने रिव्यू लिया है
कि हुंडई की गाड़ी में जो रिव्यू मिला है कि क्लिच प्रॉब्लम, क्लिच प्रॉब्लम, हाँ जी, क्लिच उसकी एक बार अपसेट होनी शुरू हो गई, वो हो गई। तो मैं इस चक्कर में ही नहीं पढ़ना चाहता था क्योंकि मैंने टोयोटा यूज की, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सेकंड फिर जो चीप मेंटेनेंस आता है वो मारुति का ही आता है, तो इसीलिए मैंने मारुति ली। तो इसके सेगमेंट में जैसे आपने बताया कि अमेज आप देख रहे थे, अमेज तो इससे बहुत छोटी हो जाती है, इसके अपना कंपटीशन में होंडा सिटी आ जाती है, वरना आ जाती है, और रैपिड वगैरह तरफ भी आप जा सकते थे। तो और कोई रैपिड हमारे यहाँ लोकल में सक्सेस नहीं है क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम है और ना सर्विस सेंटर, आप सर्विस सेंटर ढूंढने जा रहे हो, आपको दिल्ली बदरपुर बॉर्डर आज पता लगा यहाँ है, कल वहाँ शिफ्ट हो गया क्योंकि वो कार अभी इतनी ज्यादा इंडिया में सेल नहीं हो रही। स्कोडा की आप देख रहे होंगे, वोल्क्सवैगन और स्कोडा काफी कम सेल है। ये तो है। और भाई मतलब ये गाड़ी की जो लाइन है ना, और अभी तक की मारुति सुजुकी भी एक क्लेम करते हैं कि उनकी सबसे ज्यादा एरोडायनामिक कार है, और ये दिखता भी है, मतलब पूरी एक लाइन पे पूरी कवर करती है, और सही है अपना। तो भैया एक जो मारुति सुजुकी इसके ऊपर ये बैज लगा के देती है स्मार्ट हाइब्रिड का, इसका एक्चुअल यूज है मार्केट में आज के टाइम में? बस मुझे इसमें अभी एक्चुअली मैंने ज्यादा चलाई नहीं है तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ इसमें ये है कि ऑटो ऑफ और ऑन का एक नया फीचर्स मिला है मेरे को। वो बताते हैं कि रेड लाइट पे अपने आप बंद होती है, इसमें ऑप्शन है, उसको आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं, डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो उस टाइम आपको काफी लगता है कि हाँ अननेसेसरी फ्यूल कंजप्शन नहीं हो रही, ये ऑटो बंद हो जाती है फिर स्टार्ट हो जाती है, वो है। तो जब जैसे अपना ट्रैफिक लाइट्स वगैरह पे ऐसे अपने आप ये ऑन ऑफ होती है तो उस टाइम जर्क फील होता है कि एकदम से, या फिर चलने से पहले अपना पावर में रहती है गाड़ी, पावर में रहती है गाड़ी, काफी स्मूथली स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब आपको ऐसे नहीं लगता कि पिछली वाली कार वाले आपको हॉर्न हिट करें बार बार, आप हॉपलेस हो रहे हो कि स्टार्ट नहीं, नहीं काफी स्मूथली विद इन सेकंड से भी कम टाइम में स्टार्ट होकर रनिंग में आ जाती है। और ये डेल्टा वेरिएंट आपने लिया, ये यहीं से लिया होगा पलवल से, नेक्सा से, तो ये एक्चुअल ऑन रोड आपको कितने का पड़ा? एक्चुअली मेरे को ये 10 से ऊपर था, 10.5 के अराउंड पड़ा, इसमें 10,000 की मेरे को एसेसरीज भी मैंने उन पे लगवाई। क्या क्या थी वो एसेसरीज? सीट कवर लगवाए थे, सीट कवर का देखना आप, मेरे को फिनिशिंग उनकी काफी पसंद आई। और बेज इंटीरियर है भाई, इसके बारे में तो कहने की कोई बात ही नहीं है। एक और जो ये था कि इसमें पीछे भी कप होल्डर आ रहा था, ये है और मैट, दोनों चीज मेरे को ये वाले, हां जी ये कुछ ऐसे मैट है। यस, तो मेरे को ये 10.5 के अराउंड पड़ी है, 10.5 के अराउंड। इसमें एक डिबेट आता है 8,000 का, ये हाइब्रिड होने वाला, वो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, वो भी मेरे को मिला है। अच्छा, तो ये है डेल्टा वेरिएंट। तो भैया अभी आपने अभी कितना, एक महीना भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से, 12 दिन हुए, 12 दिन में 200-300 किलोमीटर मैक्सिमम में चली है अभी। तो अभी इसको कितना लंबा रखने का प्लान है? जैसे कि आप अपना सेडान कार्स के ज्यादा फैन हो शायद आप, सेडान से सेडान भी, आप भी इस चीज को नोटिस कर रहे होंगे कि डे बाय डे रेट इंक्रीज हो रहे हैं, ये है। तो मुझे इस गाड़ी में मोस्टली एक फीचर और है जो मैं बताना भूल गया, क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल में काफी टाइम से प्लान कर रहा था कि क्रेटा किया में है, फिर मुझे सरप्राइजली इसमें पता लगा कि इसके सेकंड मॉडल में भी है, तो मेरे को ये चीज काफी अच्छी लगी। और लंबे की क्रूज कंट्रोल काफी आप देखते होंगे तो पहले ही बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता, सबसे पहले हमारे यहाँ लोकल 2009 स्कॉर्पियो में आया था, टॉप मॉडल में, उसके बाद मुझे उस रेंज में इस गाड़ी में मिला है 10 से ऊपर की में। तो और रखने का सवाल ये है कि मैं इस गाड़ी को लंबा रखूंगा क्योंकि प्योर पेट्रोल पे रहेगी, लग्जरी है, बेसिक मुझे सारे फीचर्स मिलते हैं, एलॉय व्हील मिलते हैं, ऑटो एसी मिलता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है, और पेट्रोल में है तो 15 साल तक तो ये मुझे कोई इशू ही नहीं। बाकी तो देखिए टाइम का कुछ फिक्स नहीं होता। और ये आपको बता दूं, सिग्मा डेल्टा मतलब बेस से एक ऊपर वाला वेरियंट है, और इसमें आप देख सकते हो अलॉय व्हील्स वगैरह ये सारी चीज़ आती है, क्रूज कंट्रोल इसमें आता है। और ये गाड़ियाँ मतलब हाईवे के मतलब कि तो भाई एक नंबर की गाड़ियाँ हैं, और हाईवे पर जब गाड़ियाँ चलती हैं तो क्रूज कंट्रोल एक बहुत कामयाब और बहुत एक यूजफुल फीचर निकल के सामने आता है, क्योंकि पैर दर्द करने लग जाते हैं चलाते चलाते KMP पे। तो उस हिसाब से अभी ज़्यादा चली नहीं है तो अभी ज़्यादा हम गाड़ी के बारे में बातचीत नहीं कर सकते, बस ये कह सकते हैं कि इस पे जाने का प्लान क्यों बना वो भैया ने बता दिया कि इस पे जाने का प्लान क्यों बना। जब ये और ज़्यादा चल जाएगी तो फिर भाई से जानने की कोशिश करेंगे, 1,000, 2,000, 10,000 किलोमीटर चलने के बाद, जैसे कि आपको बता रनिंग कितनी हुई है कि 3 महीने में 10,000 चला दी है बलिनो CNG, तो जल्दी ही इसकी भी वीडियो आ जाएगी। तो ये था आपके सामने एक और छोटा सा ओनरशिप एक्सपीरियंस अपना CS का, और कैसी लगी वीडियो आपको ये बता देना, और थैंक यू भैया टाइम देने के लिए। ओके, बाय।
और वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें वीडियो को वहाँ पे भी, और पेज को भी फॉलो करें, और ऐसे अपना प्यार बनाए रखें। और अगर आप भी कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हो तो जीमेल एड्रेस आपको नीचे दिया हुआ है, जीमेल आईडी, वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स मुझे सेंड करो, मैं अपने आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा और फिर मिलकर साथ में एक वीडियो बनाते हैं, और फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। बाय बाय।